आजा, good girl, रॉक्सी, आजा, अच्छा रॉक्सी, अच्छा good girl. तो गाइज आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि भाई रॉक्सी को दिखाइए और सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एक्साइटेड नहीं निकल गया यार। आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि भाई ज़ायला को दिखाए हुए बहुत टाइम हो गया मेरे पास, काफ़ी व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे थे और ले ज़ायला इधर देख बेटा है ना, एंड व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे थे एंड काफ़ी सारे मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे कि ज़ायला को दिखाइए, बहुत टाइम हो गया, हमें देखना है कि उसकी ग्रोथ कैसी है, कितनी बड़ी हो गई। तो यार ज़ायला अभी 6 months की होने वाली है, अभी 5.5 months की है एंड आप उसकी ग्रोथ देख सकते हो 5.5 months के हिसाब से। एंड जैसे कि मैंने बोला था उसका फुल ब्लैक मास्क आएगा तो आप देख सकते हो, रॉक्सी को देखो एंड इसको ज़ायला, लो ज़ायला, आप देखो कितना ब्लैक फेस है इसका, दिख रहा है आपको कितना ज़्यादा डार्क ब्लैक फेस है। एंड अभी आपको थोड़ा शायद ये उतना हेल्दी नहीं लगेगी क्योंकि इस एज में जो बच्चे होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं बहुत तेज़, तो वो इतना फैट नहीं होता उनके। अब आप देखो रॉक्सी अभी पपीज़ देके हटी है, सब कुछ है लेकिन फिर भी कितनी मोटू है ना रॉक्सू, तो कितना मोटा बच्चा है बेटा है ना। लेकिन ज़ायला अभी उतनी मोटी आपको नहीं लगेगी, लेकिन आपको फिर भी अब ज़ायला का कोट वगैरह दिख रहा होगा है ना, 5.5 months के हिसाब से बहुत अच्छा कोट है, आप देख सकते हो उसके ऊपर, ठीक है देख रहे हो, अब आपको पता चल रहा होगा अलग से कि ज़ायला एकदम फुल लॉन्ग कोट वाली निकलने वाली है बहुत आराम से। हाँ मेरे को पता है इसको ना, ये बिल्कुल ना यार मैं क्या बोलूँ, एकदम टाइसन जैसी निकल गई है, इसको ना खेलने वेलने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इसको इंटरेस्ट है कि इसके साथ लड़ाई करो, इसके साथ क्या कहते हैं वो करो। अरे मतलब एक तो आपको मैं कभी इसको वॉक पे ले जाके ज़रूर दिखाऊंगा गाइज, ये ना एकदम मतलब ऐसी है कि पैर से चिपक के चलती है और पूरा ध्यान ओनर के मतलब प्रोटेक्शन में रहता है इसका, बिल्कुल मतलब बस भोंकती रहेगी दूसरे डॉग्स पे एकदम, बिल्कुल मतलब इसका बिल्कुल वो सीन ही नहीं है कि ये खेलने जा रही है या कुछ भी है, इसको खेलने में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट है ये पैंथो की, बिल्कुल ऑपोजिट इसका पूरा। ये आप चाहे जैसे ले जाओ, खुले ले जाओ चाहे इसको लीश में ले जाओ, एकदम ओनर के एकदम पैर से चिपक के चलती है एकदम। ये लो 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 लो, लो, लो गो, ये देख रहे हो ये स्टोन के पीछे नहीं जा रही है, ये जा रही है सिर्फ उसे रॉक्सी से लड़ने है, इसको इंटरेस्ट है कि लड़ाई करो मुझसे, स्टोन क्या है उसका, मैं क्या करूँगी, खाऊंगी स्टोन को। और लड़ने के लिए देखो मैडम कितनी इंटरेस्टेड है, ज़ायला इधर आ, ले आ, वो खाने की चीज़ नहीं है, छोड़ दो उसको, गुड गर्ल, लो ए गो। देखो स्टोन के पीछे नहीं जाएगी लेकिन रॉक्सी से ज़रूर लड़ेगी, ये बहुत बहुत ही अलग टाइप की GSD है यार, मेरे घर में अभी तक जितने GSD हैं उनसे थोड़ा सा नेचर इसका अलग है, इसका नेचर थोड़ा टाइसन टाइप का है, इसको थोड़ा लड़ना वैसे मतलब थोड़ा रफ गेम ज़्यादा पसंद है बजाय फेच के एंड और ज़्यादा उसके, जैसे ये सब मेरे जो पुराने GSD थे आपने देखा था ये सब एकदम मस्तू खोर थे है ना, इनसे थोड़ी सी मस्ती करवाओ तो ये पूरे टाइम मस्ती करते रहते थे, लेकिन ज़ायला उस टाइप की नहीं है यार, ज़ायला थोड़ा सीरियस है मैं कहूँगा, इसकी एज के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, मतलब ये सब तो इसकी एज पे तो खैर एकदम हड्डी ही थे, ये तो फिर भी ठीक है, ये सब तो एकदम हड्डी हड्डी थे और बहुत मतलब बस सिर्फ और सिर्फ खेलने में ध्यान, रुकसान करने में ध्यान, बस यही सब करते थे। ये ज़ायला कुछ भी रुकसान नहीं करती यार, कुछ भी मतलब ना कुछ चबाएगी ना कुछ तोड़ेगी फोड़ेगी, बस उसको पसंद है कि कोई इसके साथ रफली खेले, चाहे इंसान खेले चाहे डॉग्स खेले, उठा पटक करो, बाकी आप इसको दूसरे डॉग्स से बिल्कुल, जो घर के बाहर के डॉग्स हैं ना, इवन मतलब बिल्कुल जैकी भैया के जो एकदम क्लोज फ्रेंड्स भी है ना, प्यारू एंड ऑल, उनसे भी बिल्कुल 36 का आंकड़ा है इसका, बिल्कुल 36 का है ना। एंड मैं बहुत ज़्यादा वरीड रहता हूँ कि कुछ टाइम बाद जैसे अभी जब कोविड वगैरह सही हो जाएगा एंड अगर कभी हम लोग प्लान करेंगे मैं मानवेंद्र वगैरह जैनी से मिलवाने का इसको, तो क्या सीन होगा, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव है दूसरे डॉग्स के लिए। एंड आप इसका चेहरा देख रहे हो कितना ब्लैक है, ज़ायला देख रहे हो आप कितना ज़्यादा ब्लैक है, देखो रॉक्सी का देखो एंड इसका देखो कितना ज़्यादा डार्क ब्लैक है गाइस। एंड ये अभी पपी है, इसको एक बार बड़ा होने दीजिए, इसका पूरा चेहरा ब्लैक हो जाएगा, इसकी एक्चुअली मदर का गाइस पूरा चेहरा ब्लैक है ना, कभी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आपको इसकी मदर से मिलवाऊंगा। इसकी मदर का ना एक बहुत ही अलग किस्सा है जो आप अगर सुनोगे तो आप विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए मैं आपको बताऊँ या ना बताऊँ, चलो बता देता हूँ, लो तुम लोग ये लेके आओ मैं तब बताऊँगा, ठीक है। तो ज़ायला की जो गाइस मदर है ना उसका क्या सीन है पता है,
उसको आप 10 रुपीज़ का नोट दो, वो जाएगी शॉप पे, उसके घर के पास एक शॉप है एंड वहाँ से वो सिर्फ एक ही बिस्किट खाती है, वही वाला बिस्किट लेके आती है, ठीक है। वो खुद जाएगी 10 रुपीज़ का नोट लेके एंड वो बिस्किट लेके आ जाएगी, एंड अगर दुकानदार ने उसको वो रुपए लेके दूसरा बिस्किट दिया तो वो नहीं लेती है, वो उस पर भोंकती है, ओए पैसा वापस करो, तो पैसा वापस लेके फिर दूसरी दुकान पे जाती है, उस पर भोंकती है कि वो वाला बिस्किट दो, तो दुकानदार अगर लेके उसको बिस्किट दे रहा है तो ठीक है, अगर कोई दूसरा बिस्किट दे रहा है तो अपने रुपए लेके घर वापस आ जाएगी, अगर नहीं दे रहा है तो। तो अब मुझे पता है आपको मैं बोल रहा हूँ तो आप बोलोगे अरे यार कहाँ संचित भाई, तुम भी कुछ ज़्यादा ही फेक रहो, आप लोग भी ऐसे ही बोल रहे हो कि भाई साहब ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया। हाँ मैं मानता हूँ गाइस, नहीं मानोगे चलो कोई नहीं मत मानो, लेकिन एक दिन बिट्टा मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा तुम लोग, तब तुम लोग मानोगे, ऐसे बहुत बेइज्जती करता है मेरी, रुक जाओ। हाँ फेंक रहा हूँ फेंक रहा हूँ फेंक रहा हूँ बच्चा फेंक रहा हूँ। तो गाइस ज़ायला की जो मेरी ज़ायला है 5.5 मंथ्स के हिसाब से इसकी ग्रोथ वगैरह ज़रूर बताना यार कि आपको कैसी लग रही है। एंड इसकी भी जो बैक है पूरी ब्लैक जाने वाली है, जैसे अपने पैंथर की है ना पूरी ब्लैक, उसी टाइप से ज़ायला की बैक भी पूरी ब्लैक जाने वाली है। एंड ब्लैक मास्क यार मैं कहूँगा बहुत रेयर होता है, क्योंकि इसकी मदर के जब ज़ायला पैदा हुई थी तब 8 पपीज़ हुए थे एंड सिर्फ और सिर्फ ज़ायला का ही मास्क डार्क था, बाकी जो 7 पपीज़ थे उनमें से किसी का भी मास्क ब्लैक नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ ज़ायला का ही आया, तो थोड़ा सा रेयर होता है, ठीक है। लो इसीलिए जो ब्लैक मास्क वाले पपीज़ होते हैं उनकी जो प्राइस होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है नॉर्मल, एक नॉर्मल बिना मास्क वाले पपी से, या जिसका मास्क थोड़ा हल्का है उस पपी से, जिसका मास्क डार्क है उसकी प्राइस हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि थोड़ा सा रेयर होते हैं वो एंड थोड़ा अच्छे लगते हैं देखने में। ज़ायला अब देखो कितनी खतरनाक लग रही है, अभी से 5.5 मंथ्स की है रॉक्सी। लो 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 गो। अब आप देखो जाया जो अपनी रॉक्सी है ये 2 ईयर्स की हो गई है, लेकिन आप इसकी हेल्थ वगैरह बहुत अच्छी है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर आप इसका जो चेहरा देखोगे ना तो वो ज़ायला से कम खतरनाक लग रहा है। गाइस प्लीज़ मेरे को ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। यार मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ यार, मैंने उस दिन उनको वो घोंसला दिखाया था ना, वो इस चिड़िया का है, ये देखो ये उड़ गई ना यार। गाइस सूरज देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है, वाह यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। क्या है बेटा क्या है, बदमाशी कर रहे हैं, ले रॉक्स ले 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 गो। और यार उन छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, मैंने तो उस दिन के बाद से देखे भी नहीं यार कि क्या है कैसे है, मैं कभी यार डिस्टर्ब नहीं करता, आओ देखते हैं। ओए ये कहाँ गए, उड़ गए यार ये तो। चलो कोई नहीं, दूसरा नेक्स्ट दिखाएंगे तुम लोगों को। यार पता है हमारे यहाँ 3-4 नेस्ट हमेशा हर साल मतलब रहते हैं, पहले आपको पता है जैकी भैया जो है ना अपने, वो इतने नालायक हैं, कई बार वो बस ताक में रहते थे कि कहीं से जुगाड़ लग जाए तो मैं मार के खा जाऊँ, एंड कई बार वो मतलब बच्चे खा गए, गिरा के बच्चे उड़ने के लिए तैयार हुए, बच्चे नीचे उनको मिले और वो खा गए, कई बार मतलब एक बार नहीं कई बार, तो मम्मी अम्मी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी यार उस टाइम जैकी भैया से। रॉक्सी दे रहा हूँ बेटा ले ले ले, 1 2 3 देखो खेलने के लिए कितनी तैयार है, 1 2 3 गो। ज़ायला को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, घंटा अगर ज़ायला गाइस अकेले हो ना दौड़ेगी भी नहीं, एक दो बार जाएगी खाना सोच के कि तुम कुछ खाने का दे रहे हो, उसके बाद घंटा नहीं जाएगी। गाइस रॉक्सी की हेल्थ देख रहे हो आप, अभी रॉक्सी ने कम्प्लीटली मैंने इसको अलग कर दिया पपीज से, आज पपीज 48 डेज के हो गए तो कम्प्लीटली अलग कर दिया है ब्रॉक्सी को, तो अब ये दूध वगैरह नहीं पिला रही है, एंड आप देख रहे हो हेल्थ कितनी अच्छी है, मतलब लोगों की फीमेल जब पपीज देख के दूध पिला के हटती हैं तो आपको एकदम हड्डी दिखती हैं, एंड रॉक्सी को देख रहे हो, रॉक्सी को देख के लग रहा है कि जैसे हो सकता है 1 महीने बाद ही फिर से पपी दे दे, इतनी हेल्दी लग रही है ये देख के, ठीक है। किसी को अगर मैं बोल दूँ कि भाई ये 1 मंथ प्रेगनेंट है तो शायद आदमी मान जाए ये बात। बाल थोड़े से कम हो गए, आई एग्री कि बाल थोड़े कम हो गए, क्योंकि भाई शेडिंग तो होगी, वो तो आप हेल्थ के बेसिस पर नहीं रोक सकते, लेकिन वैसे आप देखो हेल्थ कितनी अच्छी है रॉक्सी की। रॉक्सी को बहुत मज़ा आ रहा है खेलने में, ले बेटा गुड गर्ल, खेल नहीं पाया था ना तू बहुत दिन से पपीज थे इसीलिए, ले मैं बच्चा लो, हाँ लो ज़ायला ले ले गुड गर्ल ले, ये हर चीज़ ना खाना सोच के लेती है, ले लो 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 फेंक रो फेंक रो फेंक रो फेंक रो, रॉक्सी तो चिल्लाने लगती फेंको ना गो। आजा बच्चा आजा 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 आजा, बाप रे
आके फोन में सर थोड़ी मारना होता है बेटा। ज़ाया दौड़ के आई, ज़ाया ने फोन में सर ही मार दिया। आ जा यार क्या मस्त लग रहे हैं यार ये। हाँ ज़ाया, हाँ बस हाँ रॉक्सी बस ओए मेरा बच्चा बस बदमाशी नहीं ज़ाया, लड़ो नहीं, बहुत बड़ी है, बहुत मारेगी तुमको, पटक पटक के मारेगी, पटक पटक के, बचा भी नहीं पाऊंगा मैं तुमको। आ जाओ। ज़ाया की हाइट फ़िलहाल गाइस अच्छी जा रही है, 5.5 मंथ्स के हिसाब से बहुत अच्छी हाइट है। एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार कि आपको ज़ाया की ग्रोथ कैसी लग रही है। ए ए ए गो। एंड कल जो यार मैंने वीडियो डाली थी उसको आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ गुड गर्ल। देख रहे हो जितनी बार भी स्टोन फेंका है एक भी बार ये घोचू लेके नहीं आई, हर बार रॉक्सी ले। गाइज वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई और अब मेरा टाइम हो गया बाकी डॉग्स को टहलाने जाने का, तो अभी मैं लेके जाता हूँ पैंथू को वॉक पे, क्योंकि अगर नहीं ले गया तो वो भोंक भोंक के पूरा घर सर पे उठा देगा। तो अभी इस वीडियो को यहाँ बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। एंड फ़ोन की थोड़ा स्टोरेज भी भर रही है इसीलिए बार बार वीडियो रुक जा रही है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि अभी फ़िलहाल रुक जाना चाहिए यहाँ पे। तो गाइज मेरे को प्लीज़ बताना कि आपको ज़ाया की हेल्थ कैसी लगी 5.5 मंथ्स के हिसाब से, एंड आपको अपनी रॉक्सी की हेल्थ कैसी लगी। अभी अभी पपीज दे के दूध दे के हटिए, वो दूध पिला के हटिए, उस हिसाब से आपको रॉक्सी की हेल्थ कैसी लगी एंड ज़ाया की हेल्थ कैसी लगी एंड ज़ाया की आपको कोट कैसा लगा। अब तो वैसे मेरे हिसाब से तो आपको पूरा साफ साफ दिख रहा होगा कि एकदम प्रॉपर लॉन्ग कोट आ रहा है 5.5 मंथ्स के हिसाब से। घोचू चा गुड गर्ल गुड गर्ल। एंड अगर आपको ज़ाया पे और वीडियोस चाहिए तो भी मेरे को ज़रूर बताना गाइस, मैं ज़ाया पे और वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। हालांकि ज़्यादा खेलती वेलती नहीं है लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा इसके साथ और कंटेंट देने की आपको। एंड अभी फ़िलहाल हम लोग बाय बाय बोलते हैं, मैं जल्दी ही आपके लिए रॉक्सी की पपीज़ की वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है आप यही बोलोगे कि भैया वो हेल्दी वाले पपी की, गोलू मोलू वाले की वीडियो लेके आओ। हाँ यार वो और गोलू मोलू हो गया, तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, है ना। एंड बहुत खूबसूरत जा रहा है एंड सच में मतलब बहुत लालच टाइप का आ रहा है, मन कर रहा है उसको रोक लो, है ना। लेकिन पता नहीं इतने डॉग्स कैसे मैनेज होंगे क्या होगा, लेकिन चलो वो बात की बात है। अभी फ़िलहाल ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। एंड अगर आप सुबह सुबह वीडियो देख रहे हो तो हैव अ नाइस डे, हैव अ वेरी 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 नाइस डे एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, आप लोग सुबह सुबह इतना प्यार दे रहे हो अगर मुझे तो। एंड अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने ये वीडियो पूरी देखी, एंड आप बेस्ट हो यार, ठीक है। लव यू, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, बाय।